आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके की सब्जी जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। ये है तोरई के फूल की सब्जी। जी हाँ, तोरई के फूल। तोरई तो आपने बहुत बार खाई होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तोरई के फूल की सब्जी। इसे नेनुआ के फूल भी कहते हैं। आयरन, फाइबर, मल्टीविटामिन से भरपूर ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। साथ ही साथ ये होती है सुपर हेल्दी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस नए तरीके की हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं तोरई के फूल। ये वेट में 250 ग्राम है। ये आपको गर्मी और बरसात के मौसम में आसानी से मिल जाएंगे। कुछ इस तरह के ये होते हैं। कुछ फूल इस तरह के पीले रंग के भी होते हैं। जितने गुण तोरई में होते हैं उतने ही इस फूल में भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके फूल को अलग करना है और इनकी डंडियों को निकाल देना है। इस तरह से ये जो फूल हैं इन्हें हम इस तरह से तोड़कर निकाल लेंगे और डंडियों को अलग कर देंगे। अगर कोई फूल खराब हो तो उसे निकाल देंगे। साफ और अच्छे फूलों को ही हमें लेना है। तोरई की बेल ऐसी है जिसका फल, फूल, बीज सभी लाभकारी हैं। इसमें तोरई के समान ही भरपूर मात्रा में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, पेट की सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है और ये हार्ट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो तोरई हो या इसका फूल, हमें जरूर खाना चाहिए। तो यहाँ मैंने इन्हें तोड़कर अलग कर लिया है और इसकी डंडियों को निकाल दिया है। अब हमें इन्हें अच्छे से धोना है। इसके लिए पहले हम इसे किसी बर्तन या बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, फिर इसमें पानी डालकर अच्छे से इन्हें धोएंगे। इस तरह से मसल मसल कर इन्हें अच्छे से धोना है, जिससे इसमें जो गंदगी है, मिट्टी है, वो निकल जाए। अब फूलों को निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेंगे और फिर से इसमें डालेंगे पानी और मसलते हुए इन्हें साफ करेंगे। इस प्रोसेस को हमें 3 से 4 बार तक रिपीट करना है, यानी कि 3-4 बार इन्हें अच्छे से धोना है, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाएं। धोने के बाद इन्हें एक छलनी में रख दीजिए, जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। इसे अच्छे से भून लेंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन, 1/2 चम्मच ग्रेटेड अदरक। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब अदरक लहसुन को थोड़ी देर भून लेंगे। हमें लहसुन को तब तक भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। लहसुन हमारा भुन गया है तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को भी हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें ब्राउन कलर ना आ जाए। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए प्याज को भूनेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तोरई की सब्जी तो आपने खूब खाई होगी, एक बार उसके फूल की सब्जी भी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बिहार में इसे नेनुआ के फूल भी कहते हैं। प्याज हमारा भुन गया है तो इस स्टेज पर जाएगी इसमें 1/2 चम्मच हल्दी और इसमें डाल देंगे तोरई के फूल। अच्छे से कर देंगे इसे मिक्स। साथ ही इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, लगभग 1/2 चम्मच। नमक को आप हिसाब से ही डालें, क्योंकि बनने के बाद ये सब्जी कम रह जाती है। वैसे भी आप कोई भी हरी सब्जी बनाएं तो उसमें नमक कम ही पड़ता है। पहले आप नमक को थोड़ा ही डालें और सब्जी बनने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो इसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे तो नमक डालने के कारण ये सब्जी पानी छोड़ देगी। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सब्जी में मॉइस्चर सा आ गया है, यानी कि इसने हल्का पानी रिलीज कर दिया है। इस तरह से इसे दबा कर देख लें कि सब्जी हमारी पकी है या नहीं। अभी इसमें कुछ कसर है तो फिर से हम इसे ढककर 2-3 मिनट और पकाएंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए।
दो तीन मिनट हो गए हैं और अब हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। देखिए अब फूल सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालने से सब्जी में बढ़िया सा कलर आएगा और ये तीखी भी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करें तो इसमें हरी मिर्च को भी कट करके डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी मसाला। और अब सभी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे। भूनने से सब्जी का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और मसाले भी अच्छे से भुन जाएंगे, जिससे सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो लो फ्लेम पर इसे इस तरह से भूनिए। अब आप देख सकते हैं कि पकने के बाद सब्जी की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, इसीलिए हमने इसमें नमक कम डाला था। अगर इस समय नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब सब्जी अच्छे से भुन गई है तो इस स्टेज पर डाल देंगे इसमें एक चम्मच अमचूर पाउडर, मिक्स कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही पौष्टिक तोरई के फूल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ और चलिए अब इसे करते हैं सर्व। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार, फाइबर, आयरन और मल्टीविटामिन से भरपूर, सुपर सुपर हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट तोरई के फूल की सब्जी है बिल्कुल तैयार। इसे आप पूरी, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। अगर अभी तक आपने इसे नहीं बनाया है तो ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। जितने फायदे आपको तोरई खाने से मिलते हैं उतने ही पौष्टिक तत्व आपको इसमें भी मिलेंगे। बच्चे हों या बड़े सभी इसे खा सकते हैं, सभी के लिए हेल्दी है। तो ज़रूर बनाइएगा इसे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।